वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी. अभी आज मंडे है और हमारा व्लॉग जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है. 12:15 बज रहे हैं और मंडे का दिन हमारा बहुत लेजी डे होता है. आराम से उठना, आराम से खाना, आराम से पीना, आराम से मस्ती करना. बट आज ज्यादा आराम चलेगा नहीं क्योंकि कल आरव का एग्जाम है और उसको मैथ्स का एग्जाम है, तो तैयारी मुझे करानी पड़ेगी. वैसे प्रिपरेशन हमारी काफी अच्छी है, तो देखते हैं कल बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं. और आज नाश्ते की छुट्टी, मतलब छुट्टी मतलब भूखे नहीं रहेंगे हम, नाश्ता बनाने की छुट्टी है क्योंकि मंडे को नाश्ता बाहर से आता है. और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड आज नाश्ते में क्या लाए. ये मिलिए मेरे हस्बैंड से. हेलो गाइस, आ जाओ नाश्ता कर लो. ये देखिए हमारा नाश्ता, ये है हमारा आज मंडे का नाश्ता, कुलचे छोले विच इज वेरी यम्मी एंड टेस्टी. और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा बदमाश. हेलो गाइस, ये अभी देखिए हाथ में टूथब्रश और पेस्ट पकड़ के खड़ा है. 12:30 तक ब्रश दी हुआ इसका. और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ किचन में मैंने चाय रखी हुई है क्योंकि नाश्ते के साथ आई नीड चाय. अभी हम नाश्ता करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद. देखिए गाइस, पूरे घर में खिलेरा मचा दिया कपड़ों का. अच्छा, बताइए, मुझे सिर्फ मंडे को मिलता है काम करने के लिए, समेटने के लिए, क्योंकि सारा दिन मेरा बिजी जाता है. अब ये कपड़े वापस से, क्योंकि मैंने पीछे अपने ब्लॉग में दिखाया था कि बेड खोल के सारी सेटिंग की, अब ये मैंने अलमारियां खाली की हुई है और अलमारियों के कपड़े हैं जो विंटर्स के. ये सूटकेस आप देखिए, यार सूटकेस दिखा, ये दो सूटकेस में जाएंगे और बाकी कपड़े जो गर्मियों के हैं वो अलमारी में जाएंगे. अब आरव मुझे कहता है कि मंडे छुट्टी, आप सो जाओ. तो भैया ये काम कौन करेगा, पूरा हफ्ते काम करती रहती हो, आपको भी तो सो जाया करो. सो गई, चलो बाय बाय. मिलते हैं आपसे बाद में, सारा समेटा समाटी करने के बाद. बहुत काम पड़ा है, कपड़े समेटने सारे, वापिस पढ़ दो. उसके बाद में थोड़ी देर आराम करूंगी और फिर मिलूंगी आपसे बिल्कुल रेडी होकर. ओके, आ जाओ यार, करवा दो थोड़ा काम साथ में. करवा रहा हूँ, चलो बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, सारे काम करके, बिस्तरे समेट के, कपड़े समेट के, अब मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ. और मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाजार और वो देखिए शॉपिंग में क्या लेकर आए. ये देखिए, ये है हमारे होली की तैयारी. ये है सारे कलर्स, पिचकारी, बलून के पैकेट्स, क्योंकि मुझे होली बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट फेस्टिवल है जिसे मैं खूब शोर से इंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ. तो ये सारा सामान लेकर आए हैं और आरव आपको दिखाएगा वाटर बॉटल्स. ये ब्लैक कलर की सुंदर सुंदर वाटर बॉटल. गर्मियों की तैयारियां भी हो रही हैं और होली की तैयारियां भी हो रही हैं, तो ये है हमारा सेलिब्रेशन टाइम. और अभी आरव और मैंने बाजार जाना है छोटे मोटे काम और उसके रजिस्टर्स वगैरह लाने के लिए, तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. आज का दिन हमारा बहुत मस्ती में और थोड़ा सा काम में बिता, जैसे आपको सारा दिन दिखाया गया. फिर आरव और मैं बाजार गए, हमने आइसक्रीम वगैरह भी बहुत खाई और अब टाइम है डिनर टाइम. एक्चुअली आज जो मैं डिनर में बनाने वाली हूँ, मुझे बच्चे ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि आज मैं आपको कुक करके दिखाऊंगी बैंगन का भरता. और बैंगन का भरता मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाता, बट मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी का फेवरेट है, तो आज वही हम आपको दिखाएंगे. और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बट थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं कमेंट्स नहीं देने में. तो आप प्लीज हमें अपने कमेंट्स भेजिए, अपनी एडवाइजेस दीजिए कि हम अपने ब्लॉग को और कैसे बेटर कर सकते हैं, हम क्या और एड ऑन कर सकते हैं कि हमारा ब्लॉग आपके लिए और इंटरेस्टिंग बने और आपको देखने में मजा आए. तो प्लीज हमें सजेस्ट कीजिए, हमें अपनी एडवाइजेस दीजिए, क्योंकि आपकी एडवाइजेस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है. तो चलिए आइए हम देखते हैं कि बैंगन का भरता कैसे बनाया जाता है. देखिए यहाँ पर ये दो बैंगन मैंने गैस पर भून के रख लिए हैं और ये दो बड़े प्याज चॉप किए हुए हैं. अब सबसे पहले मैं डालूंगी कढ़ाई में सरसों का तेल, जो एज यूजुअल मेरा फर्स्ट स्टेप है. अब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे. सरसों का तेल गर्म हो चुका है और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा और बारीक कटे हुए प्याज. अब हमने प्याज को अच्छी तरह भूनना है जब तक ये हल्का सा अपना कलर चेंज ना कर दे. अब जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, इसमें हम डालेंगे टमाटर और एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट. मम्मी को तो आइडिया है सारे उसके चीजों का. हाँ, आइडिया से ही डालती हूँ मैं, मुझे नापने की जरूरत नहीं पड़ती. अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे. मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भरता खाने में टेस्टी तभी लगता है जब वो दिखने में अच्छा लगे. और मैं बैंगन के भरते में बिल्कुल भी हल्दी ऐड ऑन नहीं करती,
क्योंकि मुझे बैंगन का भरता रेड रेड कलर का अच्छा लगता है, येलो कलर का बिल्कुल भी नहीं। तो अभी इसको 2 मिनट भूनने देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें टेस्ट के लिए नमक और लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और नमक, नो हल्दी एट ऑल, क्योंकि येलो भरता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भरता लाल रंग का ही अच्छा लगता है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब ये मसाला हमने अच्छे से हिलाना है। ये देखिए, ये जो भरता हमने भुना था बैंगन, उसके छिलके हमने निकाल दिए हैं और उसे हमने मैश कर दिया है। और अब इसे मैश करने के बाद हम इस मसाले में डाल देंगे और अब इसे इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करना है। भरते में ये जो आपको गांठे नजर आती हैं, ये बैंगन के भरते में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसे अच्छी तरह मैश करना है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमें बैंगन के भरते का भरता बनाना है। तो अब हम इसका भरता बनाएंगे, ऐसे जोर से इसे दबाएंगे मैशर से, आप कढ़ाई करछी कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गांठे अगर बनी होंगी तो भरता स्वाद नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ये हमारा बैंगन का भरता रेडी टू ईट, रेडी। अब हम बस हल्का सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे और हमारा बैंगन का भरता रेडी टू ईट। ये देखिए, ना गांठे हैं ना पीलापन है, बिल्कुल लाल। और अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। ये डाल दी हमने कसूरी मेथी जस्ट टू टेस्ट, और ये हमारा भरता रेडी। आइए और हमारे साथ गरम गरम बैंगन का भरता खाइए। आई होप आपको ये सिंपल और इजी रेसिपी पसंद आई होगी, और बच्चे भी एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि बैंगन का भरता बहुत यमी होता है। जो नहीं खाते उनके लिए कल कुछ और लाएंगे हम अच्छा सा, जो बच्चों को भी पसंद आएगा। और आप अपना ध्यान रखिएगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लीज कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, प्लीज हमें एडवाइस कीजिए, हमें बताइए कि हम अपने ब्लॉग को और कैसे बेटर कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में। और वेट, बेल बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो और तो कुछ नहीं रहेगा ना, सारा बोल दिया। देखिए सारा बोल दिया, मेरा टीचर बता रहा है कि मैं कुछ भूल नहीं गई। तो मिलते हैं आपसे कल जल्दी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और हम क्या करेंगे कल सारा दिन वो भी आपको बताएंगे। तो हमें अपने सजेशंस देते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं कल, गुड नाइट।